Hello boys, I am Sanjeev Kumar Shukla, lecturer in Sri Varni Jain Inter College, Lalitpur. I am going to teach you today figures of speech, one of the very interesting topics. Okay boys, so do join me and watch my video, watch my lecture till end. Thank you. बॉयज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ अलंकार है। आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे। अलंकार का मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा को बढ़ाना है। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच की स्वयं की डेफिनेशन, खुद की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप लोग इसको याद कर लें तो अच्छा रहेगा। कभी कोई पूछता है आपसे तो आप उसका बता पाएंगे अंग्रेजी में। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। अर्थात इस परिभाषा से हमें जान पाते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, वो आम बोलचाल की भाषा से अलग होता है। इसका प्रयोग वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पोइट्स द्वारा, अच्छे राइटर्स द्वारा और अच्छे वक्ताओं द्वारा खूब प्रयोग में लाया जाता है। वाइज, हम यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि ना केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर्स ऑफ स्पीच महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल आपकी अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक है अंग्रेजी में, बल्कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो बोलने का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, उसमें ये चार चांद लगा देगा, आपकी खूबसूरती बढ़ा देगा। इसलिए इस टॉपिक का आज हम अध्ययन बड़ी रुचिपूर्ण तरीके से करेंगे। आइए अब हम जानते हैं किस पैटर्न पे और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों का स्वरूप एवं अंक विभाजन के बारे में हम समझ लेते हैं। इस प्रकरण से अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक से आपकी परीक्षा में चार अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसकी भाषा कुछ इस प्रकार होगी। देखिए, अब डिफाइन एनी वन of the following figures of speech with examples. वाइज, ये क्वेश्चन बहुत, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा होता है, इसलिए आपको इसमें एक्यूरेसी, शब्दों की स्पेलिंग सही रखनी होती है, डेफिनेशन सही रखनी होती है, और साथ में जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिलीवेंट होने चाहिए, वो कनेक्टेड होने चाहिए, जिसका आप परिभाषा लिख रहे हैं वो उसी से संबंधित हों। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्पल्स में। यदि आप इसको एक बार सही ढंग से समझ लेंगे, परिभाषा याद कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें मैथमेटिक्स की तरह बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे बॉयज। ओके बॉयज, देयर आर सो मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ माध्यमिक शिक्षा परिषद, देयर आर ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इन योर कैरिकुलम। They are simile, metaphor, personification, apostrophe, oxymoron, onomatopoeia, hyperbole. So they are 7 in number. Again, I repeat, simile, metaphor, personification, apostrophe, oxymoron, onomatopoeia, hyperbole. So, आपको बॉयज इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन याद करनी है, अच्छे से समझना है, उनके एग्जाम्पल समझने हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला है सिमिली।
स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग कई बार गड़बड़ी कर देते हैं इसकी, SIMILE। इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा अंग्रेजी में आप लोग अच्छे ढंग से याद करेंगे, परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये आपकी डेफिनेशन आपको लिखकर याद करना है। हिंदी में इसको हम समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार कह सकते हैं, उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। एज, लाइक या सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो बॉयज, इसमें दो वस्तुओं की जो भिन्न प्रकार की हों, अलग अलग हों, उनकी तुलना की जाती है और तुलना प्रदर्शित करने के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग, जिस वर्ष में, जिस लाइन में सो एज लाइक का प्रयोग हो और दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जा रही हो, वहां पर सिमिली अथवा कहें हिंदी में उपमा अलंकार होगा। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं अगली स्लाइड में। सिमली के कुछ उदाहरण, जाने पहचाने उदाहरण है आपके द्वारा। जो पहला उदाहरण है कक्षा 11 में पहली जो पोयम है मर्सी बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, उनकी कविता से लिया गया है। देखिए उदाहरण को जरा। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। सो बॉयज, यहां पर इट जो यूज हुआ है वो मर्सी के लिए यूज हुआ, दया का गुण, और जो दूसरा तुलना का वस्तु है वो द जेंटल रेन, और इन दोनों के बीच में आपस में तुलना की जा रही है। और देखिए एज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, तो ये सिमिली है, यहाँ पर सिमिली है यानी कि उपमा अलंकार होगा। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी, जानते हैं आप, किसी फीमेल के लिए यूज किया गया, उसको उसकी तुलना की गई है ड्यू से, ओस। एज शब्द का यूज किया है तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि सिमली आपका होगा। थर्ड वन, द लास्ट वन, सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। यहां पर सी की तुलना की जा रही है दुल्हन की आंखों से बहते हुए आंसुओं से, लाइक शब्द के द्वारा लगा हुआ है लाइक। देखिए तो यहां पर इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा, आपके लिए समझने की बातें हैं, तो तीनों एग्जाम्पल्स में दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है जो भिन्न प्रकार की, भिन्न नेचर की, भिन्न प्रवृत्ति की हैं, और तुलना प्रदर्शित करने के लिए एज एज लाइक इत्यादि तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिमिली पहचाने, आसान पहचान है, लाइक सो एज का इस्तेमाल किया जाए, तुलना की जाए, वहां पर सिमिली होगा। बॉयज, अब हम बात करते हैं सीक्वेंस में दूसरे नंबर पर आने वाले फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा इस प्रकार, आपको सभी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनकी परिभाषा लिखकर याद करनी है उदाहरण से। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इन मेटाफर द थिंग्स आर कंपेयर्ड, अगेन इन मेटाफर Things compared are treated as one and the same, and the words of comparison as, like or so are not used. Voice, अर्थात रूपक अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना करने वाले शब्द as, like अथवा so का प्रयोग नहीं किया जाता है। Voice, मेटाफर है वो सिमली का ही एक प्रकार से रूप है। मेटाफर में देखिए क्या अंतर है, सिमली में तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है जबकि मेटाफर में तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्द कौन से हैं आपके, एज
लाइक, सो इत्यादि। इनका प्रयोग मेटाफर में नहीं होता है, नहीं करते हैं, जबकि सिमिली में इनका प्रयोग होता है। वाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में, वाक्य में सो एज, लाइक एज, डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज का प्रयोग हो, वहां पर सिमिली होगा जब तुलना की जा रही हो वस्तुओं की, चीजों की। जिन वाक्यों में इनका प्रयोग नहीं होगा और तुलना की जा रही हो दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की, वहां पर मेटाफर होगा। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं मेटाफर के एग्जाम्पल। लाइफ इज ए ड्रीम, यहां पर जीवन को ही, लाइफ को ही स्वप्न मान लिया गया है। देखिए बॉयज, लाइफ को ही क्या मान लिया गया है? स्वप्न मान लिया गया, ड्रीम मान लिया गया है। अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही मान लिया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, देखें इसका। द कैमिल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यहां पर कैमिल को रेगिस्तान का क्या मान लिया गया? जहाज मान लिया गया। तो देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाया जा रहा है, यहां पे कैमिल को शिप माना गया है। तो बॉयज हम यहां से सीख सकते हैं कि जो मेटाफर है उसमें जिन चीजों की तुलना की जाती है उन्हें एक ही मान लिया जाता है, जबकि सिमली में एक जैसा नहीं माना जाता, किसी एक क्वालिटी में उनको समान माना जाता। अगली स्लाइड में हम और अंतर समझने की कोशिश। बॉयज सिमली तथा मेटाफर में मुख्य अंतर यह है कि सिमली में तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्दों जैसे एज, लाइक तथा सो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जबकि मेटाफर में इन तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सिमली को आप मेटाफर बना सकते हो, मेटाफर को सिमली। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। वाई? बिकॉज संसार को ही, वर्ल्ड को ही स्टेज मान लिया गया है, एक मंच मान लिया गया है। एक को दूसरी चीज मान लिया जाए तो वहां पर मेटाफर होता है। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस मेटाफर इनटू सिमिली। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, जरा ध्यान दीजिएगा आप इसमें क्या किया गया। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कोई तुलना प्रदर्शित करने वाले शब्द लाइक सो एज का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में देखिए लाइक लगा हुआ है। अर्थ देखें जरा, हिंदी में अर्थ करें तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संसार एक मंच है, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ क्या होगा? संसार वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है, स्टेज की जैसा है। वॉइस क्लियर कट डिफरेंस इन सिमिली, यू यूज कंपेरिजन शोइंग वर्ड्स एज, लाइक, सो एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड इन मेटाफर देर आर नो कंपेरिजन वर्ड्स, ओके, एक ही चीज को दूसरी मान लिया जाता मेटाफर में। ओके बॉयज, आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू। थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सन देखिए कहीं ना कहीं मानव से जुड़ा हुआ है, मानवीकरण अर्थात ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें निर्जीव वस्तुओं, भावनात्मक विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि उनमें जीवन हो। जैसे वो बोलने के जीवन के लक्षण क्या, जैसे हम बोल सकते हैं, हम चीजों को छू सकते हैं, कर सकते हैं ना, रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ऑल दीज आर यू नो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। इस अलंकार में मानवीकृत किया जाता है, अर्थात मानव लक्षण दिए जाते हैं कि
किसको? निर्जीव वस्तुओं, जीवन रहित वस्तुओं को, इनैनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या विचारों को। इसकी अंग्रेजी में परिभाषा बेटा इस प्रकार, बच्चों इस प्रकार हो सकती है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज इफ हैव बीन लाइफ एंड इंटेलिजेंस। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को या भावों को, आइडियाज को इस तरीके के प्रस्तुत किया जाता, बोला जाता जैसे कि मानो कि उनमें जीवन हो और बुद्धिमत्ता हो, वो हम लोगों के समान, मनुष्य के समान सोच सकते हैं। इनके इनका उदाहरण देखिए आप, फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाइज एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। क्या चिंता मनुष्यों के समान बैठ सकती, जैसे बैठ हम लोग बैठ सकते हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, चेयर पर बैठकर पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चेयर पर बैठकर कर रहे हैं, क्या चिंता बैठ सकती है? चिंता चलकर आकर किसी के चेहरे पर बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। ये जो चलने का गुण है ये दर्शा रहा है कि चिंता जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एक भाववाचक संज्ञा है, उसको मानवीकृत किया गया है, मानव के लक्षण दिए गए हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, भाई हम लोग किसी मित्र का पार्क में इंतजार करते हैं, रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते हैं, घर पर इंतजार करते हैं, लेकिन यहां पर कौन इंतजार कर रहा है? टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार। समय क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक थॉट है, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। टाइड ज्वार, एक फिनोमिनन है नेचर का, वो इंतजार कर रहा है। तो यहां पे टाइम और टाइड को पर्सोनिफाई किया गया। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। थर्ड एग्जांपल, मृत्यु अपने बर्फीले हाथों को राजा पर रखती। मृत्यु भी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक घटना है। इसको क्या किया गया? हाथ लगे हों, जैसे ऐसे दर्शाया जा रहा है जैसे उसके हाथ हों, वो हाथ रखती हो राजाओं के, राजा के ऊपर। अर्थात वॉयस यहां पर इन तीनों चीजों को मानवीकृत किया गया है। वॉयस जो मानवीकृत ऑब्जेक्ट होता है, आइडिया होता है, थॉट होता है, उसको सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एपोस्ट्रोफी, एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू द एब्सेंट और टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। संबोधन अलंकार में मृत व्यक्ति, वस्तु या अनुपस्थित वस्तु या व्यक्ति अथवा किसी मानवीकृत वस्तु या विचार को सीधा संबोधित किया जाता है। अगर आप संबोधन शब्द को समझ लेंगे तो आपको आधा अलंकार स्वतः ये समझ में आ जाएगा। संबोधन की सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा पॉलिटिकल सभा में कोई भी जो चीफ गेस्ट है, जो चीफ स्पीकर है, बोलने वाला, जैसे माइक पे आता है, जिन शब्दों का प्रयोग वो सर्वप्रथम करता है वो संबोधन ही होते, प्रायः संबोधन ही होते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी, प्रिय मित्रों शुरुआत करते हैं, भाइयों बहनों इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो संबोधन कर रहा है, लेकिन वो संबोधन किसको कर रहा है? जीवित लोगों को कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स को कर रहे हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स को कर रहे हैं। लेकिन इस एपोस्ट्रोफी में क्या किया जाता है? मृत, मृत व्यक्ति को, मृत वस्तु को, एनिमेट ऑब्जेक्ट को अथवा किसी मानवीकृत विचार या वस्तु को संबोधित किया जाता है। लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल्स। ओ लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर। लिबर्टी को यहां पे संबोधित किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओ डेथ कम सून, यहां पे मृत्यु को, मृत्यु को जैसे कोई पुकार रहा हो, ए मृत्यु जल्दी आओ, देखो पर्सोनिफाइड यहां पे भी किया गया है।
यहाँ पे ध्यान रखना, आपको संबोधन के बाद प्रायः मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी कॉमा का भी प्रयोग होता है। अगली स्लाइड में हम जो कन्फ्यूजन होता है बेटा वो सिमिली और मेटाफर के बीच में होता है, उसी प्रकार का कन्फ्यूजन पर्सोनिफिकेशन और आपका एपोस्ट्रॉफी के बीच में होता है। इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, अगली स्लाइड के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश। पर्सोनिफिकेशन तथा एपोस्ट्रॉफी में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है समझना बॉयज, लेकिन तब भी कन्फ्यूजन जो आप लोगों में होता है, हमने देखा, ट्रेंड देखा है छात्रों में, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी में भी होता है, इवन स्टूडेंट लाइफ में मुझे भी हुआ था, इसलिए मैंने इस स्लाइड को डाला है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को हम सजीव मान लेते हैं, उसको मानवीकृत कर देते हैं, जबकि एपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मानकर उसे संबोधित भी करते हैं। ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण है, उसे संबोधित भी करते हैं। यदि संबोधित किया गया है तो वहां पर निश्चित तौर पर संबोधन अलंकार होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा वॉइस, तथा संबोधन का चिन्ह भी लगा देते हैं, कभी कभी किसी नाउन के पश्चात अल्पविराम लगाते हैं। तो बॉयज आपको इसमें क्लियर समझ में आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन में हम सिर्फ उसको मानवीकृत करते हैं, मानवीय लक्षण देते हैं, मानवीय इंटेलिजेंस देते हैं, मानवीय एक्शंस देते हैं, जबकि एपोस्ट्रॉफी में संबोधित किया जाता है उस मानवीकृत वस्तु विचार आइडिया को, या किसी मृत व्यक्ति को, या कोई जो अनुपस्थित है, मौजूद नहीं है बोलने के समय, उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। ओके, हम इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा बिल्कुल समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये आपका पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। ओके बॉयज, दूसरा, डेथ ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ, यहां पर मृत्यु को पुकारा जा रहा है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी का उदाहरण है। तो बॉयज आप भली भांति अंतर समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट कम्स ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास, इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, सॉरी, इस फिगर ऑफ स्पीच में दो विरोधी गुण किसी एक चीज के साथ लगा दिए जाते हैं, अर्थात इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसा कि आपको परिभाषा से मालूम चल रहा होगा, इस अलंकार में आपको दो शब्द एक सेंटेंस में लगभग जो ऑलमोस्ट अपोजिट है, विरोधाभासी हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स वन, ही इज रेगुलरली इररेगुलर, वह नियमित तौर से अनियमित है। देखिए इसमें जरा आप इन वर्ड्स को देखिए, रेगुलरली एंड इररेगुलर, उसी प्रकार देखिए जरा सेकेंड एग्जाम्पल में, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये आपकी जो फर्स्ट पोयम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसकी आखिरी लाइन है, कंक्लूडिंग वर्स है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, नथिंग, इन दोनों को जरा कंपेयर करें हम, हैविंग नथिंग हैथ ऑल, जरा देखें पहले एग्जाम्पल में, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, इसमें रेगुलरली और इरेगुलर आपस में अपोजिट है, विरोधाभासी है, बिलोंग्स लगभग है। दूसरे वाक्य में हैविंग नथिंग, कुछ नहीं है, ही हैथ ऑल, फिर भी सब कुछ है,
दो अपोजिट आइडियाज को एक ही में योग किया गया है, जोड़ा गया है, इस अलंकार में ऐसा किया जाता है बॉयज। तो जब आप देखें किसी एग्जाम्पल में कि दो शब्द जो अपोजिट मीनिंग में है वो लिखे हुए हैं, उसका अर्थ निकले समझकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें ऑक्सीमोरॉन है। 6-1 इज ओनोमोटोपोई, ओया नो 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 नो, स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। स्पेलिंग शुड बी, आई एम ट्राइंग टू राइट, वॉज ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ओ ई आई ए। सो बॉयज आई रिपीट, ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ओ ई आई ए। बॉयज देख रहे हैं इस स्लाइड बनाने में गड़बड़ी हुई है, आपसे भी इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है जानबूझ के इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई हो, ठीक है बॉयज? तो आप लोग इसको करेक्ट स्पेलिंग ये लिखिएगा इसकी। सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग, इस अलंकार में शब्द की आवाज से ही अर्थ का बोध होता है। साधारणतया भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। बॉयज इस अलंकार को बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। कितने प्रकार की वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, है ना? वो अलग अलग प्रकार से आवाज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, कैट्स म्यू म्याऊ करती हैं, बीज हम, स्नेक हिस हिसिंग करते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, जो एनिमल्स हैं, जो नेचुरल फिनोमिना है, नदियों को बहने की आवाज, फ्लोइंग ऑफ वाटर साउंड, जितने भी साउंड्स हैं आपको वो वर्ड्स आने चाहिए। अगर कोई भी वर्ड साउंड वाला शब्द प्रदर्शित करने वाला, जो ध्वनि प्रदर्शित करने वाला शब्द, ध्वनि का आभास कराने वाला शब्द वाक्य में प्रयोग में लाया गया है तो वहां पर ध्वनि अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल द कैट्स म्यू म्यू नॉट न्यू, म्यू स्पेलिंग इज एम ई डब्ल्यू म्यू। ओके नेक्स्ट वन इज बीज हम, मक्खियां हम की आवाज करती हैं, स्नेक आर हिसिंग, सांप फुसकार मारते हैं, एंड बीज आर बजिंग, और मक्खियां बज बजाती हैं। बॉयज लास्ट वन इज हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार। डेफिनेशन है, इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है अथवा घटाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें
कोई भी जो घटना है उसको या तो बहुत कम आकर प्रस्तुत किया जाता है, घटाकर प्रस्तुत किया जाता है, या बहुत बढ़ा चढ़ाकर। इसका फेमस एग्जाम्पल है हिंदी में, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जर गई गई निशाचर। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी और लंका सारी जर गई, निशाचर सारे राक्षस भाग गए। इज इट पॉसिबल? पोएटिक पोएटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा कहा गया। इसी प्रकार देखिए जरा एग्जाम्पल से, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। क्या कोई महिला स्त्री महासागर जितने महासागर में जितना पानी है उतना रो सकती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में रक्त की नदियां बह गईं। इट पॉसिबल? हो सकता है किसी युद्ध में बहुत भीषण रक्तपात हो, कई लोग मारे जाए, कई कईयों के अंग विच्छेद हो जाए, लेकिन रक्त की नदियां नहीं बह सकती। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है आपका, शेक्सपियर का ड्रामा है मैकबेथ। उसमें एक लेडी कैरेक्टर है, लेडी मैकबेथ, वो बोलती है ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरे पूरे अरब देश का जो इत्र है वो मेरे छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं कर सकता। अरे इत्र की जरा सी बूंद डालो महक जाती, पूरा महक जाता है, रूह महक जाती। वो कह रही कि हाथ महक नहीं सकता। यहां पर भी अतिशयोक्ति है। वॉइस, सो दीज आर सेवन फिगर ऑफ स्पीच। आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल एंड यू विल लर्न द डेफिनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल्स and take care of spelling mistakes. I have done the mistakes twice in the spelling of onomatopoeia. So take care. You take care. You do not repeat that. Okay, boys. Best of luck.